आप भी अपने फेशियल हेयर को रिमूव करना चाहते हैं और बहुत सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि हम क्या करें, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ विच इज हैंडी फॉर यू, विच इज रियली हैंडी फॉर यू। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रीति सानिया। आई रियली होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और सभी लोग अपना और अपने परिवारजन का भी ख्याल रख रहे होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं हूं सानिया और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रीति सानिया पर, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी, होम रेमेडी, स्किन केयर और हेयर केयर की। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने फेशियल हेयर के बारे में। जी हाँ, आज हम फेशियल हेयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ डू इट योर सेल्फ फेशियल हेयर रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। बट इसमें खास बात यह है कि मैं उस रेमेडी को शेयर करने जा रही हूँ जिसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। जी हाँ, कि एक पील ऑफ मास्क होना चाहिए और बाकी कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट को लेते हैं और इसको मिलाने के बाद हमारे फेशियल हेयर जो हैं वो इंस्टेंटली रिमूव हो जाएंगे। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्या वाकई ये काम करता है? चलिए देख लेते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता है। फेशियल हेयर के मैं कारणों के अगर बारे में बात करूं तो कारण इसके बहुत सारे हो सकते हैं। पहला कारण तो जेनेटिक भी हो सकता है, दूसरा पीसीओडी भी हो सकता है। ये अक्सर महिलाओं में देखा जाता है कि उनके हार्मोन्स में बदलाव के कारण उनके जो है बाल जो है, रोए जो है, काफ़ी बड़े बड़े होने लगते हैं और पहले नहीं होते लेकिन वो फिर से बाद में आने लगते हैं पीसीओडी के कारण। तो आज मैं कारणों पर ना जा करके मैं आपको इस वीडियो का एक्सपीरियंस बताऊंगी, इस रेमेडी का एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने क्या फील किया, क्या मेरे हेयर फेशियल हेयर रिमूव हुए। बस यही एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ कि इसको लगाने के बाद आपके फेशियल हेयर रिमूव होते हैं। इसको यूज़ करने के लिए जो इन्ग्रीडियंट मैंने यूज़ किए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको लेना है एक चम्मच बेसन, मैंने यहाँ पर एक चम्मच बेसन लिया है। फिर उसके बाद मैंने लिया है कच्चे आलू का रस। जी हाँ, मैंने यहाँ दो चम्मच पोटैटो का जूस लिया है, उसको पील करके और फिर उसको कद्दूकस करके उसका आपको रस निकाल लेना है, वो हमें दो चम्मच चाहिए होगा। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाला है 10 रिमूवल हिमालया का ऑरेंज पील ऑफ मास्क। जी हाँ, अगर यही वाला मास्क अगर आपके पास होता है तो बहुत बेहतर है, नहीं तो और भी कोई मास्क, पील ऑफ मास्क होना चाहिए बस। इसकी मैंने कम से कम 4 चम्मच इसमें डाली है। इसकी क्वांटिटी बहुत मेज़र करती है, आपको भी कम से कम 4 चम्मच इसमें डालने होंगे कोई सा भी पील ऑफ मास्क हो, ठीक है। उसके बाद फिर हमें इसको अप्लाई करना है। पहले तो इसको अच्छे से मैश करना होगा, इसे एक दूसरे में मिलाना होगा, ब्लेंड करना होगा अच्छे से। फिर उसके बाद हमें इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। इसे हम अपने फेस के हेयर के डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। जी हाँ, जिस तरीके से हमारे बाल हैं उसी तरफ हमें इसको अप्लाई करना है। फिर जब हम इसको निकालेंगे तब हमें इसको अपोजिट डायरेक्शन में निकालना होगा। जी हाँ, और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपका फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए फेस पर, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए या कोई भी मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, आपको बहुत अच्छे से इसको अप्लाई करना है, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए जहाँ भी आपके बाल हों, और आप बहुत अच्छे से इसको लगा सकते हैं। मेरे फेस पर भी जहाँ पर ईयर के पास में, मेरे कान के आसपास में काफ़ी बाल हैं तो वो मैं अच्छे से वहाँ पर अच्छे से लगाऊंगी ताकि वो सारे बाल निकल जाएँ। और आपको अपने पूरे ही फेस पर लगा लेना है क्योंकि इसका रिज़ल्ट जो मैंने देखा है ना वो आपको भी विजिबल होगा इस वीडियो में, क्योंकि आपकी जो भी डेड सेल्स हैं, आपकी डेड स्किन है, आपके ब्लैक हेड्स हैं, आपके वाइट हेड्स हैं, आपके फेस पर अगर डेड स्किन जमा होती है, आपकी स्किन पर एक लेयर सी जमा हो जाती है, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। प्लीज़ आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसका रिज़ल्ट देख करके तो आई एम शॉक्ड, और आप भी देखिएगा, आपको रिज़ल्ट बिल्कुल विजिबल दिखेगा। बस आपको इसको अच्छे से अप्लाई करना है और इसको कम से कम 20 से 25 मिनट तो आराम से लग जाएगा इसको सूखने में, क्योंकि विंटर का सीज़न है तो इसको सूखने में टाइम तो लग ही जाएगा। और जब ये नीचे से बिल्कुल हल्का हल्का छूटने सा लगे तब आप समझ जाइए कि आपका मास्क बिल्कुल रेडी है इसको हटाने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल पूरी तरह से सूख चुका है तब ये नीचे से हल्का हल्का निकलने लगेगा। मेरा बहुत अच्छे से तो नहीं सूख पाया था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में मैंने इसको निकाला है, और आप इसको अगर थोड़ा सा और समय देंगे तो ये बहुत अच्छे से सूख जाएगा और एक बारी में निकलेगा। मेरा थोड़ा ये टुकड़े टुकड़े करके निकला, लेकिन आप ऐसा भी रखें तो भी आपको बिल्कुल वही रिज़ल्ट मिलेगा जो आपको चाहिए। देखिए, इससे मेरे बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर तो रिमूव नहीं हुए, लेकिन इस
उसको लगाने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक ग्लो ऐड हुआ है वो बिल्कुल देखने लायक है, और आप भी देखिएगा। इसको जैसे जैसे मैं छुटाती जा रही थी ना, उस वैसे ही वैसे आप देख रहे हैं कि मेरा फेस थोड़ा सा रेड दिखाई दे रहा था। जी हाँ, क्योंकि ये मेरी स्किन से सारी गंदगी को बाहर निकाल चुका था, मेरे डेड सेल्स, मेरी डेड ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ये सब कुछ साफ कर चुका था, और छोटे छोटे हल्के हल्के जो बाल थे मेरे फेस पर वो भी गायब हो चुके थे। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े जो बाल होंगे वो तो खैर इससे नहीं जाएंगे, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट इसका रिव्यू दूंगी और बिल्कुल सही बात आपको बताऊंगी कि इससे बहुत बड़े बड़े जो भी बाल होंगे आपके वो नहीं जाएंगे, लेकिन हल्के हल्के और जो पतले पतले रुए टाइप के होते हैं वो बिल्कुल से गायब हो जाएंगे और आपका चेहरा एकदम से ग्लो करेगा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे चेहरे पर एक रेडनेस आ गई है। जी हाँ, रेडनेस के साथ ही साथ इसने मेरे सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर कर दिया, इसने मेरे फेस पर एक ग्लो ऐड किया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं ग्लो, तो इसने काफी अच्छा वर्क किया। जी हाँ, देखिए इसने मेरे सारे फेशियल हेयर रिमूव तो नहीं किए, लेकिन जो छोटे छोटे रुए टाइप के थे वो बिल्कुल साफ कर दिए, मेरी स्किन पर जो डेड स्किन जमा थी वो बिल्कुल साफ हो गई, मेरे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जो थे वो बिल्कुल साफ हो गए हैं। जी हाँ, ये एक बहुत कारगर, आप इसको एक इंग्रेडिएंट कह सकते हैं जो कि कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ मिला करके हम इसमें यूज़ करते हैं, और मेरी स्किन जो है वो इतना सॉफ्ट और इतना बहुत सॉफ्ट और एक बच्चे जैसी स्किन जैसा मैं महसूस कर पा रही थी उस समय जब मैंने इसको यूज़ किया था, क्योंकि हमने इसमें कच्चे आलू का यूज़ किया था और आलू एक ब्लीचिंग प्रोडक्ट कह लीजिए या ब्लीचिंग इंग्रेडिएंट है। जी हाँ, बिल्कुल प्रकृति ने भी हमें बहुत सारी नेचुरल चीज़ें ऐसी दी हैं जो हमारे फेस के लिए बहुत अच्छी होती हैं, और कच्चे आलू से मेरी सारी जो डेड स्किन थी, जो टैन थी मेरे फेस पर, जो टैन हो रखी थी वो बिल्कुल साफ हो गई, और मुझे मेरे फेस पर एक ग्लो सा महसूस हो रहा था। जी हाँ, मेरा फेस एकदम से जब मैंने उसको हटाया ना तो बहुत रेड रेड हो गया था, और मतलब जो भी सारी गंदगी थी, डस्ट थी, वो सब जा चुकी थी, और बहुत अच्छा महसूस मैं कर रही थी, एकदम बेबी सॉफ्ट स्किन मेरी हो गई थी। मैं तो आप लोगों से कहूँगी कि ये रेमेडी काफ़ी अच्छा वर्क करी है, बट आप लोग ये सोचें कि इससे सारे फेशियल हेयर रिमूव हो जाएंगे, वो शायद नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे अगर रोए टाइप के होंगे जिन लोगों के यहाँ होते हैं थोड़े बहुत, वो सारे हट जाएंगे, बाकी ये बहुत अच्छा कमाल करने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। आपकी सारी जो भी टैन होगी, जो भी गंदगी होगी, जो भी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, जो कुछ भी होगा उस सबको साफ कर देगा, और आपके चेहरे पर एक ग्लो लेकर के आएगा, एक इंस्टेंट ग्लो लेकर के आएगा। जी हाँ, आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको तुरंत ही कहीं किसी भी पार्टी या कहीं भी जाना है तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, और रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आई होप कि आप सब लोगों को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।